हेलो बच्चों अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज नवाज सर और आज हम करेंगे क्लास टेंथ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर सिक्सटी जो कि है वन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की वर्कशीट तो ये हमारा साल का आखिरी महीना है तो ये जो है आपकी राइटिंग टास्क यानी कि जो आपका राइटिंग स्किल आता है सेक्शन बी में उसमें से ये वर्कशीट है तो ये भी वेरी आई है ठीक है यानी वेरी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखो एनालिटिकल पैराग्राफ पहले भी आपको दो एनालिटिकल पैराग्राफ शायद मैं करा चुका हूं ये हमारा तीसरा है तो इसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है और करना है एग्जाम में ये एज इट इज आते हैं क्वेश्चन और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है तो चलिए देखते हैं है क्या द डायग्राम बिलो शोज द चेंजेज मेड इन ए पार्क राइट इन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इन्फॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड कंपेरिजन वेर एवर रिलेवेंट अब यहाँ दो पार्क्स की फ़ोटो दी गई ध्यान रखना ऊपर का हमेशा डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है तभी आप लिख पाओगे तो ये हमें एक, एक ही पार्क की दो फोटो दी गई हैं एक में कुछ चेंजेस नहीं है तो एक में हैं ठीक है थीके? बेंचेस लग गई हैं है ना बार भी हो गया है है ना टेनिस कोर्ट भी है और भी काफ़ी सारे चेंजेज हैं तो हमें यह करना है इसके ऊपर इस डाइग्राम को देख के एक पैराग्राफ लिखना है ठीक है यानी एक तरीके से आपको पार्क के ऊपर ही पैराग्राफ लिखना है कि आप पार्क में गए आपने क्या देखा क्या चेंजेस थे क्या क्या नई चीजें थी ठीक है ये सब आपको लिखना है तो सीधा हम चलते हैं इसके आंसर के ऊपर अभी आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं तो सीधा हम चलते हैं आंसर के ऊपर ठीक है तो ये आ गया आपके सामने आंसर आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा साफ इसमें जूम नहीं हो सकता तो ये देखिए ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वही जो पार्क की फोटोग्राफ थी उसके ऊपर ठीक है टेंथ क्लास के लिए है ये वन दिसंबर तो देखो यहां लिखा हुआ अब कंप्लीट इसको आराम से आप पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हो कि आई रिसेंटली विजिटेड न्यू पार्क दैट ज़ बीन मेड इन माई बेसिनिटी मैंने एक नए नए पार्क में गया जो कि मेरे मोहल्ले में बनाया गया था ऑल दो ऑल ऑफ असवर वेरी ईगरली वेटिंग फॉर इट टू ओपन हम सारे बहुत वेट कर रहे थे उसका खुलने का इट वॉज़ मोर सेटिस्फाइंग टू सी द पार्क वॉज वेरी ब्यूटिफुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पार्क है वो द लोकल अथॉर्टीज़ मस्ट रियली बी ए प्लॉट फॉर दैट जिसने भी बनाया है जो लोकल अथॉरटी है बहुत तारीफ के हकदार हैं रेस्ड ऑन ए वेरी प्लांट बेसिस इट वॉज़ फेन्स ऑल अराउंड विथ ब्यूटीफुल आयरन बार्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको एक बाल सी लगाई गई है आयरन बार्स लगाए गए हैं है ना गेट्स फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट के लिए गेट है वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट लगे हुए हैं फ्लावर्स भी हैं है ना हरी हरी घास है वहाँ पे है ना सीजनल फ्लावर भी लगे हुए हैं कई फ्लावर तो ऐसे हैं जिनकी वैरायटी तक नहीं पता हमको है ना और बहुत ही खूबसूरत और उनकी स्मेल ऐसी जैसे जन्नत में हो आप नाउ आई कोड रियलाइज वाई दार्क नॉट बिंग ओपन फॉर द पब्लिक और अब मुझे रियलाइज होता है कि इस पार्क को पब्लिक के लिए जल्दी क्यों नहीं खोला गया क्योंकि वो भी फूलों के बड़े होने का या खिलने का इंतजार कर रहे थे इसीलिए ठीक है द अथॉर्टीज वेविंग द डे टू प्रेजेंट द लोकल विद क्राउंड ब्यूटीफुल एम्बियंस टू अन फॉल तेरू और बेंचेज फॉर कंफर्टेबल सीटिंग स्विंग्स एट द कॉर्नर व बेंचेज हैं बच्चों के खेलने के लिए स्विंग्स हैं झूले हैं और भी कई सारी खेलने की जगहें हैं वहाँ पे ठीक है एक्साइटिंग गेम सब खेल सकते हो टेनिस खेल सकते हो है ना और वहाँ पे क्या है छोटा सा तालाब भी है वहाँ पे मछलियों का एंड आल्सो डेकोरेटेड विद वेरियस कलर्ड लाइट लाइट्स लगी है वहाँ पे द पार्क आल्सो है सॉकर फील्ड भी है वहाँ कैफे भी है बारबिक्यू जोन भी है है ना जहाँ पे यंगस्टर आते हैं एडल्ट आते हैं जॉगिंग स्टिप है वहाँ पर ठीक है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ये जो हमारा पार्क है ये बहुत ही बेहतरीन है तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इसको आप आराम से पॉज करिए नोट डाउन करिए आराम से और समझिए ठीक है दैट्स ऑल फॉर हैव एवे नाइस डे और कोरोना से बचना है तो छः फिट की दूरी